तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों मेरा नाम है बसंत और मैं बिहार से मोबाइल क्रेन ऑपरेटर जो अभी मैं गुजरात में काम कर रहा हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। जितने भी गाँव में नए नए लड़के हैं जो क्रेन हेल्परी लाइन में आना चाहते हैं, क्रेन सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो खास है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि क्रेन हेल्परी लाइन में किस किस रास्तों से आपको गुजरना पड़ेगा और क्रेन हेल्परी लाइन में आपको कितना सैलरी मिलेगा और क्या क्या काम करने पड़ेगा कि या कैसे आप जल्दी क्रेन सीख सकते हैं और क्रेन सीखने के बाद आपको कहाँ जॉब मिलेगा, इस सब पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। खैर अभी पहले मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि आपको क्रेन हेल्परी लाइन में कोई भी क्रेन, मोबाइल क्रेन, ट्रैवलर क्रेन हो, चाहे कोई भी किसी भी गाड़ी लाइन के हेल्परी लाइन में आपको करना क्या पड़ेगा। दोस्तों हमारे वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात बता दूं, आपका अगर क्रेन हेल्परी लाइन में आना चाहते हैं तो आपका मैक्सिमम एज कम से कम 18 वर्ष होना चाहिए और आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब होना चाहिए बस। उसके बाद और सबसे पहले ज़रूरी बात मैं आपको बता दूँ कि अगर आप क्रेन हेल्परी लाइन में आना चाहते हैं तो सबसे पहले क्रेन हेल्परी लाइन में आने से पहले, बाहर निकलने से पहले आप अपना लाइसेंस अप्लाई कर दें। क्योंकि लाइसेंस अगर दो साल में ज़्यादा मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं और दो साल में आप सीख लेते हैं तो आपको कहीं चांस मारने में भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहली महत्वपूर्ण बात यह होती है क्रेन है क्या। आप गूगल किसी भी सोशल मीडिया पर सर्च मार के देख सकते हैं, हमारे जो अकाउंट है, हमारा गूगल अकाउंट है, उस पर भी आप सर्च मार के देख सकते हैं क्रेन क्या है। क्रेन गाड़ी है जो कि बड़े बड़े बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े जो हैवी माल होते हैं उसको अनलोड करना, लोड करना, रिएक्शन करना, कहीं भी वो होता है। तो दूसरी बात ये रहा कि उसमें आपको हेल्परी लाइन में आपको मैक्सिमम सैलरी की बात बता दें तो आपको सैलरी मैक्सिमम 7 से 10 हज़ार के करीब में मिलता है और उसमें खाना पीना अगर अपना रहता है और रूम की बात करें तो रूम आपका जो है कंपनी का रहता है, दूसरा कुछ नहीं। और आपको एक जैसे कि ऑपरेटर होता है क्रेन के ऊपर जो पहले से चला रहा है उसके साथ आपको रेफरी करना होगा, अगर वो चला रहा है तो गाड़ी लगाने में आपको उसको मदद करना होगा, आपको जैसे उसकी मदद करना होगा गाड़ी लगाने में। और दूसरी बात कि उसके साथ वो जो जो बातों पर आपको बताए उस बात पर ध्यान देना होगा, गाड़ी कैसे चलाते हैं वो सारी की सारी वो ऑपरेटर जो है वो आपको सिखाएगा और ऑपरेटर की बात मान के चलना है। और दूसरी बात कि ऑपरेटर को खाना, जैसे कोई ऑपरेटर साथ में मिलकर खाना बना देते हैं, चाहे खुद जैसे खाना बनाना पड़ता है, खाना बनाकर साथ में अगर दो आदमी है तो ऑपरेटर को गुरु मानकर चलिए, ऐसे गुरु का सेवा कीजिए, वो आपको जल्दी सिखा देगा। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, ऐसे अगर आप नए हैं तो आपको गाड़ी चेकअप करा देना है और उसके बाद कि वहाँ पे आपको कोई खास काम करना नहीं पड़ता है, तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और आसानी से अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो 3 साल में आप सीखेंगे, अगर ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं तो 1 साल में आपको सीख सकते हैं। तो बस आज का वीडियो बस इतना ही।